रेवाड़ी में बीती रात एक व्यापारी से बदमाश 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने पहले तो व्यापारी की आंख में मिर्च डाली और फिर डंडे से मारपीट की। दरअसल सुधीर कुमार नाम का व्यापारी अनाज मंडी से अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। जैसे ही वो अनाज मंडी गेट पर आया तो एक कार बाइक के सामने आकर रुकी और कार में सवार 4 बदमाशों ने पहले तो आंख में मिर्च डाली और फिर डंडे से सिर में वार किया और 1.5 लाख रुपए और एक लैपटॉप लेकर फरार हो गए। मैं रात को 8 बजे दुकान बढ़ा कर के निकला था बाइक पे, तो गाड़ी जैसे ही अनाज मंडी क्रॉस करके ब्रास मार्केट के कोने पे पहुंचा तो गाड़ी पीछे से आकर के रुकी। 4 लोग सवार थे उसमें, तो उसमें से एकदम से उन्होंने मेरी बाइक के आगे लगाई। मैं आगे साइड से निकालने लगा तो इतने में गेट खोल के वो उतरे और एक के हाथ में डंडा था, मिर्च का पैकेट उन्होंने सीधा आँख में डाला और डंडा मेरे माथे पर मारा और सारे पिल पड़े थे। बाइक से एकदम नीचे गिर गया और मारते रहे और बैग खोज के ले गए। कितना पैसा था, कितने लोग थे वो? वो 4 लोग थे, उसमें एक लैपटॉप था मेरा और लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये के बीच में था। पुलिस में खबर करी आपने? हाँ, तुरंत ही कर दिया था, लोग खड़े थे वहाँ। पुलिस आ गई थी। क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई तो पुलिस वाले रात को यहाँ ले आए थे मुझे और रिपोर्ट दर्ज कराई उन्होंने, कराया बस, बाकी तो कार्रवाई हुई।